इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिस दिल्ली से इस वक्त मैसर पवन खेड़ा जी यहाँ पर मौजूद है। पवन जी, सुबह जो है वो कांग्रेस जो है वो काफी लीड से जो है हरियाणा में आगे चल रही थी, यकायक क्या हुआ, बीजेपी कैसे लीड? वही हम अभी चेक कर रहे हैं, अलग अलग सीटों पे हमारे कंट्रोल रूम फोन कर रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट अभी भी बहुत पीछे दिखा रही है, राउंड्स जितने राउंड्स हो चुके हैं वो दिखा नहीं रही चुनाव आयोग, तो वो हमने उनको भी एक पत्र लिखा है कि आप इतना स्लो क्यों दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में तो आप स्लो नहीं दिखा रहे, तो ये सारे सवाल हमने उनसे भी पूछे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कम से कम 35 से ज्यादा सीटों पर जम्मू में और कश्मीर में मिलाकर जो है वो चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, मगर सिर्फ अभी भी मैं जो देख रहा हूँ 7 सीटों पर लीड है, कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है जम्मू कश्मीर में। हमारा अलायंस में हम इलेक्शन लड़ रहे थे, अलायंस हमारा आगे और जीत रहा है, सरकार बना रहे। सरकार बनाने के बाद क्या होने वाला है, कौन होगा सीएम फेस, क्या डिसाइड किया है? हर पार्टी की, हर गठबंधन की अपनी प्रक्रिया होती है, वो यहाँ बैठकर थोड़ी तय हो जाता है। एलजी साहब जो है वो 5 जो है वो एमएलए खुद चुनेंगे, नॉमिनेट होंगे, उसके बावजूद हम सरकार बना रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार जी, बने जी। हरियाणा में इस वक्त जो है वो लगातार हुड्डा जी के और शैलजा जी के बीच में एक तनाव था, कई बार शैलजा जी ने खुले में बोला है। अब ये सब बातें बाद में करेंगे, आज रिजल्ट्स का डे है, रिजल्ट्स देखते हैं, उसका एनालिसिस होगा तब बात करेंगे। आपके कई, एक लास्ट सवाल, आपके कई जो है नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, ईवीएम पे भी जो है वो ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया, मगर सुबह जो चुनाव में रिजल्ट में जब कांग्रेस आगे थी तब ऐसा कुछ नहीं था। जब रिजल्ट आने शुरू हुए फिर रुक गए, दिखाने नहीं शुरू हुए, तो सवाल तो पूछने पड़ेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? आपको लग रहा है कुछ ऐसे गड़बड़? हम सवाल तो पूछेंगे, जवाब के इंतजार भी करेंगे चुनाव आयोग से, क्या वो भी करना हमारा हक नहीं है? ये थे पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी ने अपनी राय रखी, तमाम वो सवाल जो इस वक्त सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो पूछने की कोशिश किया। आप देखते रहिए लोकल 18 नेटवर्क।